أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Hey guys, I'm back with episode चौथा है कि पांचवा है कि तीसरा है, आई थिंक एपिसोड फोर है. तीन एपिसोड हम रिकॉर्ड कर चुके हैं पेन फिट मी सेशंस, जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे साथ पेन करते हो ना इन सेशंस के दौरान. खैर, लाइफ अपडेट मैं नहीं दूंगी बिकॉज आई एम नॉट अ ब्लॉगर एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स जिनको कोई इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में, और ये मैं फेक एक्सेंट के साथ बोल रही हूँ. अच्छा, खैर, हम आज कुछ भी प्लान करके पेंट नहीं करेंगे. वैसे बड़ा हम प्लान करके पेंट करते हैं. आई वॉन्ट टू पेंट माउंटेंस, सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट. जस्ट टू थिंग्स दैट आई रियली एम इंटरेस्टेड इन. मैंने ग्रीन करके बड़ा गर्व करके मैं आईसी स्नोई माउंटेन्स पेंट करना चाहती थी, जो कि ग्रीन होते हैं लेकिन टॉप से ग्रीन नहीं होते. टॉप से मैंने ग्रीन पेंट कर दिया है, इसका फिर आपको स्टोरी बना लेंगे. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं. अच्छा, मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ तो डिस्टर्बेंस आएगी बिकॉज या आई कॉन्ट सर्वाइव विदाउट अ सीलिंग फ़ैन, क्योंकि एसी तो है नहीं. तो हाँ, मुझे पहाड़ पेंट करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जो बर्फ़ वाले पहाड़ होते हैं, स्नोई माउंटेंस. और इसके अलावा वी हैव व्हाट जो आई लाइक टू पेंट. मुझे पानी पेंट करना पहले बहुत अच्छा लगता था, बट अब नहीं अच्छा लगता बिकॉज नाउ इट्स काइंड ऑफ आई एम लाइक यूज टू इट. पेंट करना मुझे नहीं आया, बट पेंट कर करके मैं बता रहा हूँ, इतना ओशन पेंट किया है, कोशिश की है, इतने ट्यूटोरियल्स देख देख के ये लग रहा है कहीं से कहीं माउंटेन में, नहीं लग रहा, ये आइसक्रीम लग रही है, पिघली हुई आइसक्रीम. अच्छा, मैं ना खुद ही पेंटिंग करती हूँ फिर उसको बुरा भला कहती हूँ, मतलब ये मेरा तरीका है, ये मेरा नॉर्मल वो है कि सेल्फ सेबोटाज पेंटिंग में. और मैं नॉर्मल लाइफ में ये करती हूँ, खुद ही कोई काम करती हूँ और फिर खुद ही खुद को उसी को बुरा भला कहना शुरू कर देती हूँ. क्योंकि मैं नॉर्मली मुझे होता है कि इससे भले कि और मेरी बेइज्जती करे ना, मैं खुद ही खुद की बेइज्जती करती हूँ. इसको नॉर्मल को कुछ कहते होंगे सेल्फ सेबोटाज, या लो पोअर सेल्फ इस्टीम का बड़ा सी सिम्टम है. तो मैं क्या करूँ, जब आदत होगी जब तक मैं ना करूँगा मेरी एग्जाइटी होती है कि मैंने अपनी बेइज्जती नहीं की, अपनी बेइज्जती नहीं की, खैर ज़्यादा हो जाएगी. ओके, तो आज मैं अपनी पेंटिंग को बुरा नहीं कहूँगी. आज और अगले बाकी जितने भी हम एपिसोड्स मैं रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह पेंट विद मी सीरीज का, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग बैड अबाउट माई पेंटिंग, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट. और अब मैं अपनी पेंटिंग की तारीफ किया, बस ये मेरा अल्टीमेट डिसीजन है, मैंने बिल्कुल अभी लिया है. एंड आई एम रियली लाइकिंग द कलर्स ऑफ दिस पेंटिंग. अब एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी आएगी विच इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट माई सेल्फ एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ. सो अच्छा, पहाड़ पेंट करना है, मैं थोड़ा ब्लू ज़्यादा कर देती थी, क्या वाइट तो मैं ऐड कर नहीं सकती क्योंकि वाटर पेंटिंग में यू कैन नॉट ऐड वाइट. तो अब मैं थोड़ा ब्राउन, थोड़ा ग्रे ऐड करके इसको पहाड़ की लुक दे सकती हूँ. और अब दुआ कर सकती हूँ कि आखिर में ये आइसी माउंटेन लगे, ठीक है, आखिर में ये थोड़ा आइसी माउंटेन लगे और ये कुछ अच्छा जो है वो हो. तो ये मैं दुआ कर सकती हूँ और मैं क्या ही करूँगी इसमें. और तो लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और इस बारे में मज़ीद कॉमेंट करूँगी जिससे स्टेटमेंट भी आते हैं, ठीक है. और आप चाहें ना चाहें उनके साथ आपको डील करना पड़ता है. लाइक लोग कहते हैं ना कि अपने अप्स एंड डाउन्स के साथ डील करो, डील विद योर स्टफ, इवन व्हेन यू फील लाइक यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग यू आर स्टिल डीलिंग विद इट. थिंग इज दैट पीपल आर लाइक आई एम रनिंग अवे फ्रॉम माई फियर्स, यू आर स्टिल फेसिंग देम, बट यू आर फेसिंग देम बाई रनिंग अवे फ्रॉम देम. जो आपको लगता है ना आप कुछ नहीं कर रहे, तब भी आप कुछ कर रहे होते हो. लाइक कुछ ना करना भी कुछ करना है, तो बेहतर है कि आप कोई एक्टिव डिसीजन ले लो पैसिव के बजाय. उस पैसिव डिसीजन ना आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो कि आप कह रहे हो कि यार मैंने तो नहीं कुछ किया, बस जो हो रहा होने, तो वो भी आप कुछ कर रहे होते हो. आपने ऑटो पायलट पर अगर अपनी लाइफ को छोड़ा तो वो भी आपका खुद का डिसीजन है, वो भी आप अभी कर रहे हो. और आपको लग रहा है कि आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे, आपने तो बस छोड़ दिया, आपने गिवअप कर दिया, बट वो जो आपने गिवअप किया वो भी एक आपका एक्शन है, उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है. लाइक गिवअप करना, अच्छा गिवअप करना इजी इसलिए बिकॉज उसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, कोई चेंज नहीं चाहिए,
आपको डिसिप्लिन नहीं चाहिए, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको सुबह जल्दी नहीं उठना, आपको वर्कआउट नहीं करना, आपको वर्किंग करना, आपने तो गिव अप कर दिया ना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस जो है आपने गिव अप कर दिया, बस आप साइड पे बैठ जाओ। बट वो भी मुझे लगता है कभी कभी मुझे लगता है गिव अप करना भी ज़रूरी होता है, और समटाइम्स यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू लाइक मेंटली गिव अप, कि आप मेंटली उस चीज़ के बारे में सोचना चाहते हो लेकिन फिजिकली जो आप कम्प्लीटली गिव अप करते हो वो भी आप एक एक्शन कर रहे हो, यू आर नॉट एक्चुअली गिविंग अप, यू आर एक्चुअली सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फर्दर डिसअपॉइंटमेंट्स। बट फिर इसी सारी सिचुएशन में मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कभी कभी गिव अप करना ज़रूरी भी होता है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। ये मैंने माउंटेन पेंट किया, मैं इसमें ना पेन से करूँगी इसको ड्राई करके, तो ये अच्छा माउंटेन जो है वो पेंट हो जाएगा। अब साथ में ना हम ऐसे, मुझे ना बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कुकिंग शोज़ नहीं होती है, पता नहीं मेरी आवाज़ से ही आ रही होगी या नहीं, फ़ैन की डिस्टॉर्शन है, लेकिन मेरी आवाज़ से ही आए ना आए, वीडियो तो मैंने अपलोड करनी है और सुनना तो मैंने है नहीं, खुद को कैसे कोई सुन सकता है, खुद को कैसे मैं सुन सकती हूँ, इसको वो सुनेंगे ना जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो सुनेंगे क्रिंज, वो करेंगे, मैं अपनी क्रिंज खुद क्यों सुनूँ, मैं क्यों क्रिंज करूँ, दो एक वे बोलते हुए क्रिंज करती हूँ कि मैं ये क्या बोल पा, नहीं हेट नहीं करना खुद को, बट आई एम जस्ट सेइंग आई डोंट लिसन टू माई वीडियोज अगेन बिकॉज आई कांट वॉच देम, नॉट बिकॉज आई हेट देम, बिकॉज इट्स लाइक आई एम लाइक मैंने क्या बोल दिया, तो फिर आई वोंट अपलोड देम इफ आई वॉच देम। जैसे हम खाना पकाने की शोज नहीं होते, उसमें पहले एक डिश बनाते हैं फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और फिर ना दूसरी डिश जो है वो बनाना शुरू करते हैं जो कुकिंग शो होता है। तो मैं भी इस वक्त वही कर रही हूँ कि जैसे जो है वो हम जो है वो नहीं कर रहे होते, एक पेंटिंग को ड्राई होने के लिए रखते हैं, मैं दूसरी शुरू करती हूँ, इसको मैं यही छोड़ूंगी, आई फील लाइक लिविंग इट ओवर हेयर, राइट ओवर हेयर, ठीक है, इट्स अस लाइक सन है और ये बस बस ये दिस इज इट फॉर दिस पेंटिंग एंड आई लव इट लाइक दिस। ये पता नहीं ड्राई हुई है या नहीं, हाँ हो गई, अब इसके ऊपर मैं ड्रॉ करूँगी माउंटेन। तो बेसिकली मैंने बहुत एक साल पहले मैंने बहुत अच्छे माउंटेन्स पेंट किए थे, अच्छा सुबह से मैंने वो पिक्चर देखी इसलिए मेरा माउंटेन पेंट करने का दिक्कत है, बट वो मैंने खुद किए थे, मैंने एक ट्यूटोरियल फॉलो किया था वहाँ से मैंने सीखी थी, उसने बड़ा अच्छा स्नोई माउंटेन्स पेंट करना सिखाया था। बट अब ये मैं खुद से बना रही हूँ कोई पिक्चर, उसमें लाइक एक रेफरेंस पिक्चर से वो बना रहा था, वो बता रहा था कि आपने कैसे लाइट कैसे ऐड करनी है, वो ये जो मैं पेंट कर रही हूँ दिस इज़ डेफिनेटली फ्रॉम माय इमेजिनेशन, आई मीन हाउ क्रिएटिव आई एम, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप अच्छा लगता है, आई रियली लाइक इट। अच्छा मैंने अपनी पेंटिंग को एकदम से बुरा भला कहना छोड़ा तो आई नॉट एक्चुअली लाइकिंग इट गाइस, यू नो वर्क स्टॉप एयरिंग योरसेल्फ, फिर से मेरा फेक एक्सेंट चढ़ाया था, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मैं दिखाती हूँ अब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं इसको इंक करी, उसको हम इंकिंग कहेंगे, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा हमने क्या किया तो हम उसको ड्राइंग बना के कोई शक्ल देने, नहीं हम इंकिंग कर रहे हैं, इंकिंग ऑन वाटर पेंट, हालांकि ये पॉइंटेड है बट वी स्टिल कॉल इट इंकिंग बिकॉज़ वी आर प्रोफेशनल, यू नो जस्ट रैंडमली रिकॉर्डिंग आवरसेल्फ्स बिकॉज़ वी आर स्ट्रेस्ड एंड बिकॉज़ वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड बिकॉज़ इफ यू वांट टू रन अवे फ्रॉम द मोनोटनी ऑफ लाइफ, नो नो, वी आर प्रोफेशनल पेंटर्स and you're painting because that's what we do for a living, we paint. It's a very dust, I love it. Thoda sa isko main double shadow dena chahunga, thoda risky sa kaam karna chahunga, thoda sa idhar ye zara dust ho gaya, yes, yahan pe bhi thodi si double shadow dena chahiye isko, aur idhar aur idhar, और यहाँ पे हम थोड़ी सी ऐसी वेव्स सी बना दी, बहुत खूबसूरत, क्या था वेरी डिम्योर, क्या था वो वेरी एलिगेंट, सो एलिगेंट सो डिम्योर आवर माउंटेन दैट वी जस्ट पेंटेड। थोड़े से हम दूसरे वाले ट्रीज भी ऐड कर देते हैं जो कॉनिफर्स होते हैं जो पहाड़ों पे होते हैं ताकि लगे कि हम ये पहाड़ हैं, असल में दरख्तों की वजह से पहाड़ छुप गया है, ऐसा लगे कि पहाड़ ही मैंने पेंट किया था, जिम्मेदार
अच्छा इस पे जो है वो मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, मैं इस पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो थोड़े से परिंदे बनाना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा दिल कर रहा है सूरत से, और ढेर सारे परिंदे बनाना चाहती हूँ, छोटे परिंदे, बड़े परिंदे। चल जबरदस्त।